पिछले दिनों कर्नाटक की मुस्कान नामक लड़की ने सबका दिल जीता था क्योंकि उसने हिम्मत दिखाई थी, जय श्री राम के बीच अल्लाह अकबर के नारे लगाए थे। लेकिन जब एक हिंदू हिजाब के खिलाफ पोस्ट करता है तो रातों रात बेरहमी से उसकी हत्या कर दी जाती है और उसके खिलाफ कोई आवाज भी नहीं उठी। क्या सिर्फ इसीलिए कि वो एक लड़का था या फिर ये कि वो एक हिंदू था? कर्नाटक हिजाब विवाद के कारण बीते कुछ दिनों से देश भर में सुर्खियों में बना हुआ है। इस बीच वहां हिंदू संगठन बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या से अलग तनाव पैदा हो गया है। घटना रविवार देर रात की बताई जाती है। खबरों के मुताबिक शिवमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता 26 वर्षीय हर्ष की 4 से 5 अज्ञात लोगों ने मिलकर हत्या कर दी। अब तक उनके बारे में कोई सुराग नहीं मिला है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। धारा 144 लागू कर दी गई है। राज्य के गृह मंत्री ए ज्ञानेंद्र ने बताया कि अभी ये पता नहीं चला है कि हर्ष की हत्या के पीछे किस संगठन या किन लोगों का हाथ है, लेकिन जल्द ही पता लगा लिया जाएगा। फिलहाल पूरे इलाके में अगले 2 दिन के लिए स्कूल कॉलेज आदि बंद कर दिए गए हैं। अन्य एहतियात कदम भी उठाए जा रहे हैं। हालांकि धारा 144 के बावजूद कुछ वाहनों को आगजनी की गई, लेकिन स्थिति को जल्द ही वहां भी नियंत्रण में पा लिया गया। गौरतलब है कि कर्नाटक पिछले कुछ दिनों से हिजाब विवाद के कारण सुर्खियां बटोर रहा है। कर्नाटक हाई कोर्ट में भी मामले की सुनवाई चल रही है। इसके तहत अदालत ने मुस्लिम लड़कियों को शिक्षण संस्थानों की वर्दी के साथ हिजाब पहनने की अनुमति दिए जाने की मांग की जा रही है। इसके विरोध में बजरंग दल जैसे हिंदू संगठनों ने भगवा पटका ओढ़ने ओढ़ाने का अभियान चलाया हुआ है। इससे कई जगहों पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।